राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार के माफीनामे को नाकाफी बताया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान होने पर कौरवों का नाश हो गया था, उसी प्रकार से बिहार विधानसभा के सदन में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर ठहाका लगाने वाले नीतीश के सहयोगियों का सर्वनाश सुनिश्चित है। स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज वेरी डेरोगेटरी। वी आर डीपली कंसर्न विद दिस NCW ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमेन ऑफ द कंट्री इज डीपली कंसर्न दैट द वे ही स्पोक वॉज लाइक अ सी ग्रेड मूवी डायलॉग इन द असेंबली इन फ्रंट ऑफ वीमेन in the assembly in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing, that was worst. So mujhe lagta hai ki koi bhi concern nahi tha ki wo keh kya rahe hain. Agar unko knowledge deni thi to bahut sare tarike hain jis tarike se knowledge de sakte hain. Actions aur words dono hi bahut bhadde the aur ek bhadde mazak ki tarah the. पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने, एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी की पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में उनका।